नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदा ही विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र, आरती, भोग और कथा के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दे। माता रानी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाइयां भी चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ और सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। माँ की उपासना के लिए आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसीलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसीलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दही से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं। इन्हीं चीजों का दान करके आप उनसे लंबी आयु का सौभाग्य भी पा सकते हैं। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया था। इनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, भगवान शिव आपको पति स्वरूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। हम सभी की यही कामना है कि माता रानी का आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहे। जय माता दी।